हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी फॉर यू एनी टाइम। तो आज हम कॉलेज रिव्यू करेंगे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ की, जिसे कि आरईसी आजमगढ़ के भी नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रैंकिंग, प्लेसमेंट कट ऑफ और इस कॉलेज के प्रोस कॉन्स क्या क्या हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अब हम बात करें इस कॉलेज के बारे में, तो इस कॉलेज की बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे नहीं दी गई है, हम जहाँ की जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। लेकिन मैं बात करूँ तो मैं यहाँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे गया तो वहाँ से मेरे को पता चला कि इनका जो कॉलेज है वो आजमगढ़ में है और ये कॉलेज में केवल 3 ब्रांचेस चलती हैं, जो कि IT, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग चलती है और टोटल इसमें 60 सीट्स होती हैं। तो 60 सीट्स होती हैं मतलब 6 3 18, टोटल 180 बच्चे इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज के बारे में। तो ये कॉलेज पहले मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी से रिकॉग्नाइज था टिल 2016, लेकिन 2016-17 से ये स्टार्टेड ओन इसका खुद का हेडक्वार्टर आजमगढ़ में हो गया। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज की। तो ये कॉलेज एफिलिएटेड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से होता है। आप इसमें एडमिशन UPTU UPSC के थ्रू ले सकते हैं। या अब हम बात करते हैं इस कॉलेज की फीस के बारे में। तो आपको यहाँ मैं फीस स्ट्रक्चर लगा के रखा हूँ। तो इस कॉलेज की जो फीस है वो 16,300 है एज कम्पेयर टू गिवन डाटा, और यदि हॉस्टल लेना चाहते हो तो वो 18,600 है फर्स्ट सेमेस्टर की। यहाँ सेमेस्टर वाइज फीस लगती है और अदर चार्जेस जो है वो 61,000-63,100 रुपीज है यदि आप और भी चीजें यहाँ लेना चाहते हो। तो मतलब आपकी टोटल जो फीस है आप इसमें सेग्रीगेट कर सकते हो, आपको जो जो चीज चाहिए। यदि आपको हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं चाहिए तो हॉस्टल फैसिलिटीज डिडक्ट कर लो। और मतलब कि पूरी चीज यहाँ इंफॉर्मेशन यहाँ मैं लगा रखा हूँ। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ मतलब ऑड सेमेस्टर वाले बच्चों की यहाँ फीस का इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, जहाँ से मैंने इसका ऑफिशियल वेबसाइट से डिटेल निकाली है। अब हम बात करते हैं कि इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। तो कॉलेज गवर्नमेंट है और कॉलेज में सीट्स काफी कम है और कॉलेज की रैंकिंग भी अच्छी है UPTU के हिसाब से। तो अब मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज होने से और फीस कम होने से इसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है। यदि आप जनरल हो, मैं ओवरव्यू इस पूरे कट ऑफ लिस्ट का बता दूं। यदि जनरल हो, यदि आपको यहाँ CSE चाहिए तो आपको मिनिमम IT, सॉरी यहाँ CSE नहीं चलती, यहाँ IT चाहिए तो आपकी 5-4,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए यदि आप जनरल हो। OBC हो तो 45 के अंदर होनी चाहिए। यदि आप इस कॉलेज में किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी ब्रांच के लिए भरना चाहते हो और SC ST हो तो आपकी 8,000 के अंदर में होनी चाहिए। लेकिन आपकी ये मैं बता दूं कि इसका कट ऑफ काफी हाई जाता है। यदि आपकी रैंक काफी अच्छी है तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन आराम से मिल सकता है। इस कॉलेज में वैसे भी सिविल इंजीनियरिंग, IT और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही 3 ब्रांच चलती है। तो टोटल 60-60 सीट्स ईच ब्रांचेज में है। तो 180 बच्चों को इनटेक हर साल ये बिलोंग करते हैं। तो मैं जिस हिसाब से बता रहा कि देखो 1800 से इसकी ओपनिंग फर्स्ट जो कट ऑफ स्टार्ट हो रही है, सेकंड ये है, थर्ड मतलब कि काफी हाई कट ऑफ जाता है। तो आप मैं बोल दे रहा कि यदि आप जनरल हो तो कम से कम आपकी 2-3 हजार के अंदर में ही रैंक होनी चाहिए, तब जाके आपको इन तीनों ब्रांच में कोई भी ब्रांच मिल सकती है। मतलब IT में तो ज्यादा इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि IT इज रिलेटेड टू CS, तो इसमें ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट डिटेल की। तो कॉलेज के प्लेसमेंट डिटेल के बारे में बताया गया है कि इसका 10 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है इस साल, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है और मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ IT स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबल थे वो 52 हैं, मतलब 60 में से 52 बच्चे एलिजिबल थे, जिसमें से 53 ऑफर्स आए थे इनके कॉलेज में, जिसमें से 34% 34 बच्चे थे जो एक्सेप्ट
ये ऑफर। अब यही मैकेनिकल की बात करें, 60 बच्चे थे जो एलिजिबल थे, 27 बच्चों ने ऑफर एक्सेप्ट किया, मतलब 27 ऑफर्स आए और 20 बच्चों ने ऑफर एक्सेप्ट किया। अब मैं बात करूं, 60 बच्चे सिविल में थे, 19 ऑफर आए और 17 बच्चों ने ऑफर एक्सेप्ट किया, जो कि इनकी एवरेज पैकेज जो है 3 लाख पर एनम है। अब हम बात करें टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज की, तो टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, बायजूस, इनफ्रोडा, माईपैड, जस्ट डायल, ये सब कंपनीज आती हैं इस कॉलेज में। फैसिलिटीज भी इस कॉलेज में सही हैं, लेबोरेटरीज हैं, हॉस्टल है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है और बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल दोनों यहाँ प्रोवाइडेड है। अब हम बात कर देते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। तो कॉलेज काफी अच्छा है, यदि आपकी रैंक है तो आप कॉलेज में ले सकते हो एडमिशन। कॉलेज में काफी कम बच्चे रहते हैं, तो काफी क्राउड कॉलेज में नहीं है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो इस कॉलेज के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। यदि हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर लाइक करना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना।